नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट नवाचार। नवाचार में आज हमारे मेहमान हैं खंडेलवाल समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी। खंडेलवाल मित्र मंडल की अगुवाई में अखिल भारतीय स्तर का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाले सम्मानित श्री अशोक जी खंडेलवाल। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार मुले जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो दिवसीय थकान आपके चेहरे पर लगातार दिखाई दे रही है। 28-29 तारीख को आपने जिस अंदाज में एक राष्ट्रीय स्तर का अखिल भारतीय स्तर का परिचय सम्मेलन आयोजित किया, यूँ कहे कि पारिवारिक युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया, आप आगे तारीफ के काबिल कहे जा सकते हैं। बहुत सारे नवाचार इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से देखने को मिले, बहुत सारे लोगों की कड़ी मेहनत भी आपके साथ साथ देखी गई है। किस तरह इस बड़े आयोजन को आपने पूर्णता की ओर ले गए, एक सफलता की ओर ले गए? मुले जी, परिचय सम्मेलन मैं पिछले कई सालों से करवाता आया हूँ। बिल्कुल सही। 2015 में भी मैंने, जब इंदौर खंडेलवाल समाज का अध्यक्ष था, तो एक व्रत परिचय सम्मेलन किया था। उसमें 987 एंट्री आई थी। ओके। वो 3 दिवसीय परिचय सम्मेलन था, 26, 27, 28 नवंबर 2015 को। ओके। तो उसके बाद भी बहुत सारे परिचय सम्मेलनों में संयोजक रहा या मुख्य भागीदार कहने के रहा। इस बार मित्र मंडल के हमारे जाबांज अध्यक्ष गोपाल जी माली के मन में विचार आया कि परिचय सम्मेलन का एक आयोजन होना चाहिए और आपको मुख्य संयोजक की जवाबदारी निभाना है। क्या बात है, हृदय से कृतज्ञ हूँ आदरणीय गोपाल जी माली के लिए। रिश्ते में वो मेरे साड़ो भाई भी लगते हैं। तो मित्र मंडल की पूरी टीम, गोपाल जी माली हो, सचिव हमारे राजीव जी बड़गोती जी, सम्मेलन के दोनों प्रभारी हमारे अनिल जी तोड़वाल साहब, मेरे बड़े भैया मनोज जी किलकिलिया जी, वो सबसे खास बात है कि जो सम्मेलन का 2 दिन तक लगातार संचालन कर रहे थे, बहुत खूबसूरत संचालन, अखिलेश जी खंडेलवाल अलग अलग यूनिक आइडियाज उनके मन में थे, तो मेरे मन में उनके लिए बोलने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। इतने शब्दों में सम्मेलन को पिरो दिया कि एक तरफा मतलब उन्होंने जिस तरह से सफल संचालन किया, काबिले तारीफ है। तो इसी आज हम इस मुकाम पे उनके संचालन, हमारी पूरी टीम और हमारे जो मुख्य संरक्षक है समाज के भीष्म पितामह आदरणीय संतोष जी धामानी जी, अनिल जी कुलवाल जी, परिसर नामांकन जिनके स्मृति में कराया बाबूजी जगदीश जी भुखमारिया, उसे मेरे मित्र नितेश जी भुखमारिया जी, जी, और सभी मित्र जितने भी जिन लोगों ने मुझे आर्थिक सहयोग दिया हमारे को सम्मेलन में, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं ये नाम बोलने जाऊँ तो करीब समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। सही कहा आपने, कोविड वैश्विक महामारी के दौर के बाद पहली बार का सम्मेलन था। क्या क्या नवाचार हुए, क्योंकि इस बार के सम्मेलन में वो सारी चीज़ें हुई जो वाकई समाज में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमने क्या करा, जैसे हमारा प्रथम सत्र चालू हुआ, हमने दीप प्रज्वलन करके सम्मेलन को शुभारंभ कर दिया। हमेशा क्या होता है, लोग सम्मेलन को 2-3 बजे तक स्वागत सत्कार ये वो करके, हमने 11:30 बजे चालू किया। सम्मेलन की प्रमुख बात ये थी कि हमने इसको यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव दिखाया, तो इससे ये फायदा हुआ कि पूरे देश के जो खंडेलवाल समाज, पूरे देश में जो विदेशों बैठे हुए जो अभिभावक बैठे हुए थे देश विदेश में, उन्होंने देखा कि प्रत्याशी कौन, प्रत्याशी क्रमांक क्या है, परिचय दे रहा है तो उसकी वर्थ क्या है, वो क्या उसकी इनकम आप सोर्स क्या है। एक एक देश और विदेश के आप मान के चलो यूट्यूब पे 2 दिन में करीब 30,000 लोगों ने इसको सर्च किया, प्लेटफॉर्म का सदुपयोग किया गया। तो इसके लिए भी मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मन की सोच थी, बस एक समस्या आ रही थी कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरा व्यापार एयरटेल का ही है, तो वो चीज मैंने आसान कर दी। वो जैसे क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की लाइन या कनेक्शन था नहीं, फिर भी हमने प्रयास करके कहीं से राजीव गांधी चौराहे से खींच के लाइन जोड़ के, तो उसको ऑनलाइन परिचय सम्मेलन। आपने इस परिचय सम्मेलन के साथ में अभिभावक सम्मेलन भी करा दिया, युवक युवतियों के साथ में उनके परिवार के लोगों को भी मंच प्रदान किया और उन्हें अपने बच्चों की खूबी बताने की, ये कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको, इसमें कितनी सफलता? जैसे हम सम्मेलन कराते आए तो हमको ये रहता है कि जैसे क्या होता है, कोई कैंडिडेट है जी, जैसे हमने उसका परिचय कराया जी, तो उसका परिचय होने के साथ में अभिभावक अगर साथ में होंगे तो संपूर्ण परिचय हो जाता है, संपूर्ण परिचय भी हो जाता है। और दूसरा जो भी उस लड़के को सर्च कर रहा है, लड़की को सर्च कर रहा है, वो पूरे परिवार को, परिवार के परिवार से हमारी रिश्तेदारी जुड़ी रहती है। बिल्कुल। तो परिवार से, परिवार का जब होता है तो उनको और अच्छा
जैसे अकोला निवासी कोई युवक पारिवारिक मिलन करा रहे हैं हाँ। तो इंदौर वालों को पता रहता है कि अच्छा ये इनका लड़का है, इनका लड़का है। तो क्या होता है जनरली कई बार हम बायोडाटा में खाली नाम देख के ये करके परिवार के कारण क्या होता है स्थिति बड़ी अच्छी होती है और उससे क्या होता है कि लोगों को ये पता रहता है कि नहीं इस परिवार में हमको हमारे लड़के या हमारी लड़कियों की शादी करना चाहिए कि नहीं। तो एक नवाचार और काफ़ी सराहनीय माना जा सकता है जिस अंदाज में आपने इस बार मैंने खुद ने भी वहाँ घूम कर लगातार देखा तो युवक युवती आपस में गेम्स के माध्यम से एक दूसरे से परिचय कर रहे थे, काफ़ी सकारात्मक पहलू मुझे ऐसा लगा। वो क्या था, कहाँ का कॉन्सेप्ट लाया? एक कॉम्पिटिशन कराया हमने युवक और युवतियों के बीच में, कुछ गेम्स हमारे मऊ से जो संचालन करते थे उन लोगों ने, दोनों संचालनकर्ता यंग थे बिल्कुल, उनके मन में ये विचार आया कि हम इस तरह से कराएं ताकि खुले युवक और युवती में आपस में बातचीत हो। बातचीत क्या होता है, कई बार हमने पहले हम परिचय सम्मेलन कराते थे तो हम दो या तीन दिन का सम्मेलन कराते थे तो मुश्किल से 20 या 30 लोग ही परिचय करने आते थे, बहुत संकोच की भावना होती थी। इस बार के परिचय सम्मेलन की विशेषता और रही कि हाईटेक डॉक्टर्स इंजीनियर सीए अधिकाधिक तादाद में युवक और युवती यहाँ परिचय सम्मेलन परिचय देने के लिए आए। बाकी मैंने तो एक काफ़ी अच्छे व्यक्ति को देखा जो अकोला के थे, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट ने 18 करोड़ रुपए ग्रांट तक दे रखी, ऐसे युवक कल हमने उनका सम्मान भी किया, हमारा महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी बड़ाया साहब, रमेश जी खंडेलवाल फरीदाबाद, रमेश जी गुप्ता सूरत और हमारे संदीप जी लाभी, ये चारों हमारे कल के चीफ गेस्ट थे, इन चारों ने उनका अभिनंदन भी किया। 18 करोड़ रुपये उनका गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्टअप उनकी उसमें सेंक्शन किया और अब उसको 100 करोड़ रुपए कर दिया। क्या बात है, राष्ट्रपति अवार्ड से राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया। इतनी बड़ी प्रतिभाएं जब आती समाज में युवक युवती परिचय से बल, इसको कितने खुले विचारों से लेते हैं आप? क्योंकि कई बार सुनने में ये भी आता है कि यदि बच्चा इतना योग्य है तो उसे क्या जरूरत है युवक युवती सम्मेलन में भाग लेने की, डायरेक्ट रिश्ते भी उसके लिए आ सकते हैं? नहीं, हम इनको एक मंच उपलब्ध कराते हैं व्यक्ति के मन में। स्टार्टिंग में जब हमने परिचय सम्मेलन चालू हुआ था 90-92-93 के दौर में, जब इस तरह की संकुचिता थी कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ किसी के यहाँ। लेकिन चूंकि हमारे खंडेलवाल समाज में अब ये सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई है, एक परिचय सम्मेलन ही एक ऐसा माध्यम है कि वहाँ एक प्लेटफॉर्म पर पूरे देश और विदेश के सारे युवती जिनको अपना वर वधु चुनना है वो अपनी पसंद से वहाँ पे और अपनी च्वाइस से वहाँ आके बायोडाटा में आप छांट के मतलब अलग अलग तरीके से उन सब व्यक्तिगत मिलकर परिवार मिलन करके हर तरीके से एक परिचय सम्मेलन, क्योंकि 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन 2 दिन बहुत होते हैं। पैनल डिस्कशन की बात की जाए तो कितना सार्थक कदम रहा आपके द्वारा जो बढ़ाया? पैनल डिस्कशन निश्चित ही जिन लोगों ने देखा है काबिले तारीफ थी हमारे इंदौर के। किस तरह का कोई मुद्दा इशू कोई आया उसमें जिसके ऊपर फोकस्ड होके वक्ताओं ने अपनी बात रखी हुई? वक्ताओं ने सबसे अच्छी उसमें बात यह रखी कि किस तरह से इंटरनेट और मोबाइल के युग में हम समाज से दूर होते जा रहे हैं, हमारे परिवार से दूर होते जा रहे हैं। तो इस मामले इस उसको लेके बड़ा डिस्कशन चला और उसमें यही निष्कर्ष निकल के आया कि डॉक्टर खरे आए थे उसके पैनलिस्ट हाँ। उन्होंने इसका कंक्लूजन यही निकाला है कि अगर हम हमारी बेटियों को घर पे संस्कार नहीं देंगे तो शादी होने के बाद में वो दूसरे परिवार में जाने के बाद में किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार दे पाएगी? पिता को अगर रोटी नहीं खिला सकती तो पति को रोटी बनाई कैसे खिलाएगी? बिल्कुल सही। तो ये दूसरा इंटरनेट में दिन भर हम मोबाइल और इससे लगे रहते हैं, इससे इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों का फायदा भी है और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी है, तो इन सब चीज़ों पर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। क्या बात है, वाकई समय की समसामयिक जरूरत इसे कहा जा सकता है, जिन विषयों पर खंडेलवाल समाज ने एक कदम बढ़ाकर अपनी बात रखी। मुझे लगता है इस बात का असर समाज के भीतर, नई युवक युवतियों के भीतर, परिवारों के भीतर जल्द ही देखने को मिला, क्योंकि किसी बात को लेकर यदि सामूहिकता के तौर पर चर्चा होती है तो हर किसी के मन में तो ये बात रहती है कि वाकई डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है हमारी उन्नति के लिए, कई बार सामाजिक विघटन के जिम्मेदार भी यही सोशल मीडिया बनता नज़र आता है और लगातार इस तरह की खबरें भी मीडिया की सुर्खी बनती ही नज़र आती। आपके द्वारा एक डिजिटल बुक का भी निर्देशन कराया गया है, क्या है उसमें, बड़ी रिच बुक नज़र आती है देखने में। 192 पेज की बुक है, उसमें हमने कैटेगराइज किया है इंदौर के युवक युवती, इंदौर के बाहर के युवक युवती, मांगलिक युवक युवती, विधवा विदुर युवक युवती, सबकी कैटेगराइज किया अलग अलग हमने ताकि लोगों को देखने में सुगम हो,
समझने में सुगम हो जी। तो इसके अलावा हमने पहले दिन के जो परिचय सम्मेलन में जो खास बात थी, इंदौर की सारी महिला संगठन करीब 8 से 9 महिला संगठनों ने मिल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इनकी संयोजिका थी संध्या किलकिलिया, अपने राखी माली, वर्षा मेठी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में इन लोगों ने मात्र 15 दिनों में जी। 15 दिनों का इनको समय मिला जी। आकांक्षा खंडेलवाल और हर्षिता खंडेलवाल ने जो कोरियोग्राफी और जो वहाँ पे प्रस्तुति दी, वो भी मैं खंडेलवाल मित्र मंडल की ओर से भी उनका हार्दिक अभिनंदन। कहीं ना कहीं दिन भर की थकान को एक रंगारंग आयोजन के माध्यम से आपने उसका प्रतिदिन समापन किया और कहीं नई ऊर्जा से पूरा के पूरा समाज लबरेज दिखाई दिया। पंजीयन की खास तौर से बात आती है, कितने रिश्ते तय हुए, क्योंकि किसी भी युवक युवती परिचय सम्मेलन का एक निचोड़ जो होता है वो कितने रिश्ते तय हुए हैं, कितने रिश्ते पाइपलाइन में हैं जो तय हो सकते हैं, उस विषय में कुछ जानकारी। हमारा मकसद जोड़ना है लोगों को, युवक युवतियों का परिचय कराना है। अब ये जो परिचय की श्रृंखला है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी जी, तो आप मान के चलो 50 से 55 रिश्ते आने वाले 1 महीने के अंदर जी। लोग एक दूसरे घर जाएंगे, बैठेंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि हम सम्मेलन स्थल पर रिश्ते फाइनल करो और ये अंगूठे बनाओ। हाँ, टारगेट स्टार्टिंग में जब परिचय सम्मेलन का दौर चालू हुआ था 90-92 के दौर में, जब इस तरह की धीरे धीरे ये टूटन की ओर जाने लगा, तो विघटन की ओर जाने लगा, समय देना चाहिए रिश्तों को समझने के लिए, सोचने के लिए समय देना चाहिए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म पे लोगों ने आगे अपना परिचय दिया, एक दूसरे का बायोडाटा शेयर किया। अब वो एक दूसरे के घर जाएंगे, घर जाके देखेंगे कि क्या उसमें उचित है, और उसके बाद आप निश्चित तौर पे 1 महीने 30 से 35 दिन के अंदर आप देखेंगे करीब 50 से 55 रिश्ते इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से तय हो जाएंगे। वाकई अशोक जी, आपकी सोच जो है काफ़ी सकारात्मक कही जा सकती है, और जिस तरह से आपने मैगजीन फाइनल की ही समाज की युवक युवती परिचय सम्मेलन में जिसका इनोग्रेशन किया, उसका जो स्लोगन है कृष्ण और राधिका का एक बढ़िया सुंदर सा चित्र दिया गया और साथ ही लिखा गया कि हमारा प्रयास आपके सपने, वाकई दिल को छू जाने वाला ये स्लोगन है। आपके द्वारा कराया गया आयोजन काफ़ी सफल रहा है, आपको द प्राइम टॉक की ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमसे चर्चा की, सम्मेलन के छोटे छोटे पहलुओं को लेकर जिक्र किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सम्मेलन में जो जिन्होंने भी दान किया, जिन्होंने तन मन और धन से सहयोग किया, सभी का हृदय से आभारी हूँ। विशेषकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले मेरे मित्र अनिल धामानी जी और नितेश मामोड़िया जी और अन्य जितने भी मित्र थे, सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। क्या बात है, वाकई एक सफल आयोजक की यही बड़ी बात होती है कि वो कृतज्ञता का भाव जो है अपने दिल से उद्गार के रूप में व्यक्त करे, और जिस भी व्यक्ति का नाम एक आयोजक के जुबा पर आता है वो व्यक्ति भी अपने आप को कृतज्ञता मान बैठता है और उसे लगता है कि चलो कहीं तो मेरा नाम हुआ, मैंने यदि कोई कर्म किया तो उसके प्रतिफल स्वरूप समाज में मेरी एक नई पहचान स्थापित हुई। एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, भोजन व्यवस्था 2 दिन जो बहुत सारी चीजें हैं, हम 2 घंटे भी बात करेंगे 3 घंटे भी कम पड़ेगी। भोजन व्यवस्था के लिए हमारे संजय साकुनिया जी ने जिस प्रकार से मेहनत की और जिस तोड़ से काम किया और जो सुधवादु भोजन मतलब जो प्रतिक्रिया आई पूरे देश से, वास्तव में वो भी संजय साकुनिया जी बहुत आभारी है। धन्यवाद। संजय जी का भी नाम छूट रहा था कहीं ना कहीं, और ये अच्छे जो जिनका स्वच्छ हृदय होता है वो लोगों को आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कि काफ़ी आगे रहते हैं, और वही काम अशोक जी आप कर रहे हैं। आपने हमसे चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।